पता नहीं यार, मार रहे हैं उसको। भाई छड़ाओ यार, की कर रहे हो भाई यार? माड़ा मोटा ना यार, उम्र का भी लिहाज करना चाहिए यार। भाई एक तो यार उम्र का लिहाज रे यार, कट के दे हमारे पास 8 बजे है। कैंदा से बंद खोल दूंगा ना, कैंदा मार फटू तू बंदा। भाई यार बंद ही है, बंद ही है। हां फिर तू कौन से ले इतनी परवाहियां करियो तू? ये धक्का कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं भाई। इलाज कराओ पहले अपना यार, इधर आ जाओ साइड। ठीक है मैं मान गया यार, एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे चलते यार, मात तो नहीं चकना चाहिए यार। लंकल ये रहा स्कूटी का नंबर, ठीक है आप करवा लेना उनकी FIR। जी जी ठीक है, थैंक यू। सो गाइस अंकल के भी हमने वो बैंडेज वगैरह करा दिया। अभी आप ना सीधा हॉस्पिटल चल जाना, वहाँ पे वो आपके MLC बनाएंगे तो वो दे देंगे। ये आप थोड़ा बहुत रख लो अंकल खर्चे के लिए। और नहीं नहीं रख लो, ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं 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 अंकल रख लो रख लो रख लो, कोई बात नहीं, इलाज करा लेना अपना। ओके ओ आप साइड से निकले, मेरे को दिखे ही नहीं यार आप। ओ आपने जगदम निकाल ली ना यहाँ से, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? खुद निकले इधर से साइड से, लगी आपको भाई? चिल्लाओ मत, अभी फालतू में विक्टिम कार्ड प्ले करेगी तो। भाई यार देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पीछे से बाहर निकली है, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी थोड़ा आराम से बोलो। और ये आपको मैंने देखा था कि भाई आपको दिखाया था, सॉरी कि मैंने न्यू हेलमेट लिया भाई। सो गाइस ये हेलमेट ना हम देने वाले हैं भाई राजे को, ये भी बता दे क्यों देने वाले, क्योंकि बोट आई, क्योंकि भाई ये मुझे बोट आई था। राजा कह रहा है, तो गाइस राजा कह रहा है मेरे को हेलमेट दे, तू नहीं ले ले जाओ जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा टाइट थी। राजे कहने भी ली थी, राजे को बहुत ज्यादा पसंद थी, तो राजा भी ले रहा है। उसके पास नहीं, मेरे पास नहीं, एक ही बात है, तो मैं न्यू ले लूंगा। फाइनली निकल चुके हैं, चेक कर सकते हो। और भाई यहाँ पे यार ट्रैफिक जो है ना, और ऊपर से बाइक जो हीट मारती है भाई, नेक्स्ट लेवल ही। और यहाँ पे रीच चल रहा है बिल्कुल साथ में इसकी, भाई बाइक कर देते हैं बंद। तो भाई फाइनली निकल गए हैं स्टंट पॉइंट से, अभी जा रहे हैं भाई हम 67 के बाहर। तो यार दोस्त जो आना था उसने भाई, वो कहता कि नहीं पता नहीं क्या दिक्कत है, थोड़ी घर पर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं आ सकता। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम खुद ही राइड कर रहे थे। तो भाई आज हमने हेलमेट वगैरह भी लेना है यार। तो आपको जाते कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा हेलमेट जो है वो राजा ले रहा है भाई, तो हमें नया हेलमेट लेना पड़ेगा एक और। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी चलते हैं भाई, पहले तो हेलमेट लेते हैं एक तगड़ा सा। करो भाई, विनीत भाई भी आ गए हुए हैं। चले विनीत भाई, चले फिर, हाँ हेलमेट लेनी है आज। तो भाई आज आपके भाई ने हेलमेट भी लेनी है, क्योंकि मेरी हेलमेट जो है वो राजा ले रहा है। और यहाँ पे भाई ट्रैफिक जो लगता ना, वो लगता है भाई तगड़े साहब का, यहाँ पे ना भाई जाम लगता है तगड़े साहब का, मतलब मैं बता भी नहीं सकता यार, उस साहब का जाम लगता है भाई इधर। तो हम भाई जाम पूरा काटते हैं, चलो काम करते हैं। ओए आराम से आराम से, आप साइड से निकले, मेरे को दिखे ही नहीं यार आप। सीधा नहीं आ, ओ आपने जगदम निकाल ली ना यहाँ से, यार मैं तेरे पास आ रहा हूँ, इन्होंने साइड से जगदम ही निकाल ली बाहर। एकदम से बीच में मार रहे हो, अच्छी बात है आपकी, चलानी आती है तो क्यों चला रहे हो? गलती हो गई, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? चाहते क्या हो भाई आप? आप खुद निकले इधर से साइड से, लगी आपको? रुक 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 रुक, साइड पे लगाओ दे, इसकी चाबी निकालो रीस। खुद आपने खुद निकाल लिया साइड से बाहर, तेज चला रहा था मैं, 10 की स्पीड भी नहीं होगी। खुद आती है आपको चलाना? खुद आप साइड पे खड़े थे, साइड से बाहर क्यों निकले? निकली आप स्कूटी आप देखो तो सही चला, आप इसके पीछे रुके थे, आप उधर से बाहर क्यों निकले? पीछे कैमरा थोड़ी लगा है, कैमरा लगे हैं।
भाई यार देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पीछे से बाहर निकली है, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, थोड़ा आराम से बोलो। जाओ यार जाओ, और थोड़ी तरीके से बात करनी होती है, ठीक है ना। चोट आई आपको? आ गई आपको। चलो यार अबे गिट्टी हो चुके हैं, चल चल ज्यादा टच भी भाई ऐसी। चल यार A few moments later. भाई इधर लड़ाई हो गई है, बंदे को मारा यार, खून खून कर दिया। भाई क्या चक्कर हो गया, की चक्कर हो गया, इसको लगी हुई है, इसको थप्पड़ मारा किसने भाई? अब तो स्टैंड लेना बनता है, थप्पड़ मारा उसको। ओ भाई बंदा पूरा खून खून हो गया। पता नहीं यार मार रहे हैं इसको। भाई छुड़ाओ यार की कर रहे हो, दो मिनट यार पता की है, कोई ना लवे लगता सारे सवाल लेना छुड़ाए यार बड़े भाई यार माड़ा मोटा ने यार उम्र का भी लिहाज करना चाहिए यार बड़े भाई मैं मान गया तेरी गल मैं मान गया हूं मशीनरी चल पैन टूट बज गए यार बोले ना गलत कहूं मैं गंद ना बोले गाड़ी ना मैं गाड़ी गड्डी पर गड्डी का बंद खोल देना कहना मैं फट दूं बंदा कहना बंद खोल देना कहना मैं फट दूं बंदा बंदी है बंदी है देख लो भाई इलाज कराओ पहले अपना यार, इधर आ जाओ साइड आ जाओ आ जाओ भाई, पहले इलाज कराओ भाई यार, मारना नहीं ना चाहिए यार, गलत ना ठीक है, मैं मान गया यार, एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड से चलते यार, मात तो नहीं चकना चाहिए यार। क्या बंदे हैं भाई, भाई क्या बंदे हैं यार, गरीब बंदे को मार रहे हैं यार, भाई इलाज करा लो यार पहले अपना, आ जाओ यार चाबी दो कितने चाबी दो
ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ ਤਮਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ੀ ਤਮਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਆ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਚਾਬੀ ਹੋਰ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਊਗਾ ਫੱਟੇ क्या बंदे हैं बाबा जाओ जाओ भाजी कोई चक्कर नहीं आ जाओ इलाज करा लो पहले अपना इधर इधर ना डॉक्टर की दुकान आप चलो मैं आया बाइक लेके चलो यार भाई कराओ कराओ इलाज कराओ यार ये भाई नंबर चेक कर लो स्कूटी का इलाज करा लो इलाज करा लो ये तो डॉक्टर की दुकान है आ जाओ अंकल यार क्या बंदे हैं भाई मैं भी अकेला हूँ इतने बंदों के साथ कैसे लड़ता यार इलाज करा लो भाई अपना बीएम की ड्रेसिंग कर देना ये लो अंकल ये रहा स्कूटी का नंबर ठीक है आप करवा लेना उनकी एफआईआर जी जी ठीक है थैंक यू सो गाइस अंकल के भी हमने वो बैंडेज वगैरह करा दिया अभी आप ना सीधा हॉस्पिटल चल जाना वहाँ पे वो आपके एमएलसी बनाएंगे तो वो दे देंगे ये आप थोड़ा बहुत रख लो अंकल खर्चे के लिए और नहीं नहीं रख लो ये लो पकड़ो 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 नहीं 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 अंकल रख लो रख लो रख लो कोई बात नहीं इलाज करा लेना अपना ओके ध्यान रखो अपना नहीं नहीं कोई बात नहीं मदद ही करते हैं हम सब की ध्यान रखो ठीक है बढ़िया भाई आप बताओ ठीक हो सब जाओ अंकल आपने इलाज करा लो थैंक यू और भाई रास्ते में ये सीन हो गया भाई बंदो बंदे यार कितने बेशर्म होते हैं भाई मतलब एक दो ऑटो वाले अंकल को भाई मारा टक्कर मारी उसके बाद भाई उनको थप्पड़ों थप्पड़ मारा और उनको ना खूनों खून कर दिया और उसके उसके बाद ना भाई गरीब बंदे के साथ देखो यार कितना तक्का होता उस बंदे के ऊपर ही चढ़ रहे हैं भाई उसका फ़ोन छीन लिया उन्होंने आपने वीडियो वगैरह में पूरा देखा था मेरे को आता कैमरा बंद कर मैंने नहीं किया बट यार पता क्या चक्कर होता है अब मैं अपनी सिटी में नहीं हूँ ठीक है अगर मेरा जम्मू होता ना माँ की कसम अगर इन दोनों को मैं जाने देता ना तो मेरा नाम बदल देते मैं किसी की सिटी में हूँ भाई और इतने सारे बंदे हैं अब बताओ मैं भी मैंने उनको बोला तो सही है कि आपने गलत किया यार ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए बट स्टिल अगर हम उधर होते ना तो फिर कोई बात कोई और होती फिर इनके ऊपर भी ऐसा हाथ उठना था कि भाई दूसरी बार ये हाथ नहीं उठाते किसी के ऊपर ठीक है तो बट यार अपनी सिटी नहीं है अपना शहर नहीं है हम घूमने आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं यार बाकी राजी और भाई हमारा आके वेट कर रहे हैं हमने भाई हेलमेट वगैरह लेने जाना था तो अभी चलते हैं यार हेलमेट वगैरह के बाद बाकी जितनी मेरे से यार हेल्प हो सकी उतनी भाई मैंने कर दी यार बट यार माँ कसम देख के भाई इतना बुरा लग रहा ना यार कि यार वो बंदा पूरा खूनों खून यार क्या बोलूँ भाई मतलब कितने गिरे हुए हैं भाई लोग और एक बंदे ने गलती की है भाई दूसरा उसका ना दो तीन साथ दे रहे हैं उसको आके कि हाँ भाई हाँ सही है ये है वो है और वो बंदा ना फिर झूठ बोलने लगा कि इन्हें मेरी पग नू हाथ पाया ये है वो है बताओ यार किसी को थप्पड़ मारो खून छून निकालो वो कैसे कोई हाथ डाल सकता आपको जेन्युइन सी बात है यार झूठ मतलब क्या बोलूँ यार मैं शर्मिंदा हो गया भाई ये चीज़ें देख के बस यही चीज़ यार ख़राब लगती है भाई बाकी भाई यार हम मोटो ब्लॉगर हैं भाई हमने सच्चाई दिखानी है हमेशा कि भाई रोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं ये नहीं है कि अगला बंदा मेरे को बोलता है कैमरा बंद कर दे और मैं कैमरा बंद कर देता चुपचाप करके ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई भाई मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी ऊपर से ना राज्य और भी बहुत आगे चल चुके हैं वो भाई विनीत के घर पे चल गए हुए हैं तो अब उनको मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया था तो भाई मुझे फ्लैट जो वापस जाना पड़ा बट यार सीरियसली बहुत गलत हुआ भाई बहुत गलत है यार क्या बोलूँ यार तो भाई फाइनली राज्य के पास पहुंचने वाला हूं तो भाई उनको जाके भी इंसिडेंट सुनाता हूं क्योंकि फ़ोन भाई बज रहा था मेरा बट मैं उठा नहीं पाया क्योंकि वो सीन आपको पता ही है जो हुआ अभी आपने देखा तो अभी चलते हैं उनके पास उनको भी सुनाते हैं भाई सीन बट भाई एक चीज़ भाई बोलूँ मैं
चाहे बेशक भाई किसी को बुरी लगे सही, आप कोई बोल बंदा बोलेगा तो कि भाई हो सकता है उसकी गलती हो ये हो, तो भाई जब देखो आप घर पे आ के वीडियो देख रहे हो, जो बंदा उधर सामने खड़ा होता ना तो उसको पता होता कि भाई किसके साथ सही हो रहा है किसके साथ गलत हो रहा है। बेशक भाई उनकी मुझे नहीं पता कि उनकी बाइक या अपना स्कूटी ऑटो टच हुआ क्या हुआ, बट भाई किसी को राइट नहीं बनता आप इतना मारोगे भाई बेचारे का खून निकलना शुरू हो जाए, खून निकलने के बाद भी भाई उसको पकड़ रहे हैं, उसको उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे भाई, तो खुद ही दिमाग लगाओ यार क्या क्या बंदे हैं भाई। सो गाइस वो सारे हैं भाई विनीत भाई के घर के बाहर, तो फिर वो तो गाइस वो सारे हैं विनीत भाई के घर, अभी चलते हैं भाई विनीत भाई के घर के बाहर। भाई टायर हो गया था भाई बाइक का भी, स्लिप बच गया। सो गाइज अभी हम भाई गाड़ी पे ही जा रहे हैं यार, बाइक मैंने इधर ही छोड़ दी, मेरा ना दिमाग ही ख़राब हो गया, बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा, पीछे बैठा विनीत, पीछे बैठा रईस। हाँ जी, तो यहाँ पे विनीत के मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, तो चलो गाइज अभी निकलते हैं। बाकी उनके साथ तू ये क्या लगता है राजा सही हुआ यहाँ पर बुरा, जिस हिसाब से तुमने बताया उस हिसाब से गलत हुआ भाई, माँ का संग इतना बुरा लग रहा है ना। चलो कोई नहीं भाई, ऊपर वाला ना सब देखता है भाई, तो जैसा करता भाई या तो उनके बच्चों को वैसा भरना पड़ता है या उनको भरना पड़ता है, कोई चक्कर नहीं। असल में एज भी अंकल की ज़्यादा थी मेरे ख्याल से ना। हाँ बहुत बड़े थे यार, वो एक बंदा था वहाँ पे वो बोल रहा था भाई माड़ी मोटी एज उम्र का तो लिहाज कर लो, मतलब एज का लिहाज कर लो, बट नहीं यार बंदे नहीं वो बेकार थे यार बंदे। लगी थी अंकल वो? लगी यार, खून नहीं कर रहा था उनको, टंग स्टिचेस आया। सो गाइस यहाँ पे जाकर उसके गाने सुन रहे, साइड साइड किसकी याद आ रही है वहाँ पे? मुझे किसी की याद नहीं आ रही है। तभी हेलमेट पे हेलमेट निकाले जा रहे हैं, बट यार कोई पसंद नहीं है, ये कि ये पसंद है ये, बट ये भी यार मुझे ना कुछ खास नहीं लग रही है, मतलब उसके मुकाबले यार ये इतनी खास नहीं लग रही है। बाकी भैया कुछ लेके आए हैं, ये वही एग्जॉर और एसएम के, ये मेरे पास घर पे बड़े कितनी बड़े हैं गिना भी नहीं सकता इतने, बाइक ही मेरे पास हरी है क्या करूँ। चेक करो भाई यहाँ पे कोई हेलमेट मुझे पसंद नहीं आया भाई, मुझे चाहिए था ग्रीन हेलमेट, पर मेरे पास ग्रीन नहीं है यार कोई भी, एक जो पसंद आया था वो मिल लिया था बट उसका मुझे साइज पूरा नहीं आया, वो राजा ने ले लिया भाई, तो देखते हैं। छीना नहीं दिया है मेरे, ब्लेम छीन लिया भाई, इसमें से कमेंट करो जाके इसको लो वापस भी जानू भाई करना। अभी भाई इसने पैडिंग वुडिंग चेंज कर लिया, वो भी चेंज करा दूंगा फिर से मैं, देखो बना रहा आपको। तो गाइस गाइस जिस हेलमेट की है पहले थोड़ी बकवास कर रहा हूं, अब इसको वापस रेड काटना पड़ेगा किस मुंह से पहन लो गाइस मैं हेलमेट, क्या बोलते टेपिंग कर रही है 4-5000 पता कितनी मुश्किल से आते हैं।